जैद पठान साहब। जी साहिल भाई, एडम भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत है? वालेकुम अस्सलाम। हम ठीक है सर, आप कैसे हैं? छोड़ दिए जी इस्लाम? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से हूँ। नहीं भाई, इस्लाम में तो हूँ। क्यों है यार जैद भाई, इतने समझदार इंसान है आप, चलिए, आप मैं क्यों ईमानदारी इस्लाम से में? मैं आपको बताता हूँ एक चीज। मैंने हाँ जो है कुछ मसला हुआ था मेरा हाँ निकाह को लेके, डिस्क्रिमिनेशन वगैरह का, कि मैं रिवर्ट हूँ। और मैं उस समय जॉब भी कर रहा था, ऐसा नहीं था कि जॉबलेस था। और दो तीन चीजें हुई थी ऐसी, तो मैंने छोड़ा था। और मैं आप लोगों की तरह रसूल अल्लाह के बारे में नहीं कुछ बोल रहा था, या मुमिना को नहीं कुछ बोल रहा था। तो मेरे सब्सक्राइबर काउंट भी कुछ नहीं थे, और मुझे अजीब सी बेचैनी भी होने लगी अंदर से, हाँ इबादत ना करने की वजह से। तो मैं दोबारा फिर कबूल कर लिया तौबा मतलब इस वजह से कबूल कर बेचैनी लिया होने कि की वजह आपके से, सब्सक्राइबर काउंट नहीं थे और आपको अंदर से परेशानी हो रही बेचैनी थी? यार ये तो बेचैनी बड़ी हो रही थी भाई, जबरदस्त। बेचैनी बेचैनी बहुत ही अजीब सी बेचैनी हो रही थी कि मैं कनेक्ट साहिल, नहीं दिस कर इज पा द रहा था बेस्ट फिर। रीजन आई हैव एवर हर्ड अबाउट एक्सेप्टिंग इस्लाम, बाय द वे। रीएक्सेप्टिंग ये रीजन मैंने दुनिया में सबसे बेहतरीन रीजन सुनी, ये से ज्यादा बेहतरीन रीजन कोई नहीं हो सकती। नहीं भाई, ऑनेस्टली मैंने बता दिया, आपने दूसरी बार कहा है इस्लाम छोड़ने को लेके, तो मैंने बता दिया कि क्या हुआ था मामला। ठीक है जनाब, और बड़ी आज का जो मेहरबानी। आपका टॉपिक है कि अल्लाह ताला जो है ये तकलीफ अच्छा, तुम करे रिवर्ट हो जवाब। तो ये पठान कहां से तुमको मिल गया ये सरनेम? भाई चूंकि मेरे उसमें क्षत्रिय लिखा था वर्ण, तो मैंने फिर उसके अकॉर्डिंग जो है मिलता जुलता पठान वो लिया। पठान ब्रेव कबीला होता है अफगानिस्तान के हाँ, पश्तून अच्छा वाले अपनी में। मर्जी से चेंज कर लिया। यार ये तो ग्रेट है हाँ, यार। ये बंदा ही बड़ा अजीब है। आप उस बोलो, पे क्या मैच बात करता करना है है ना? टॉपिक पे क्या बात जी करना है? जी तो भाई, हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम की आजमाइश ली थी ना, कि अपने औलाद की गर्दन पे छुरी फेरो, और क्यों छुरी को हुक्म दिया कि तुम उसको क्यों नुकसान ना पहुंचाओ, तो क्यों नुकसान आजमाइश नहीं पहुंचाया। तो इसमें जो है कुर्बानी की जाती है कोई भाई? यही पूछ रहा हूँ, जानवर, क्यों, अल्लाह किस ने लिया था ना भाई उनका, कि बात का टेस्ट? अपने सबसे महबूब इंसान को मेरे कहने पे मेरे लिए ये कुर्बान कर सकता है कि नहीं कर ये सकता है? तो उस जमाने में ह्यूमन सेक्रीफाइस का रिवाज था, तो इसका मतलब है अल्लाह भी उसी टाइप का स्टूपिड गॉड निकला और इब्राहिम भी उसी टाइप का स्टूपिड इंसान निकला। नहीं भाई, आजमाइश लेते हैं ना अल्लाह ताला, वो आजमाइश नबी सर, थे तो उनकी आजमाइश ऐसी इतनी तो नहीं ना होती। तगड़ी आजमाइश ऐसी आजमाइश होती हुई। है, आजमाइश ऐसी होती है, जाओ यार मेरे लिए लड़ो। चलो उसको भी आजमाइश कह लेते हैं कि यार ये लोग जो है ना जाहिल लोग हैं, ये लोग जो है ना लड़ाइयां कर रहे हैं, ये लोग जिंदगी में अपंगता फैला रहे हैं दुनिया में, इनके साथ लड़ो यार, ये अपंग लोगों को खत्म करो, चलो इसको भी हम लड़ाई मान लेते हैं। लेकिन ये क्या आजमाइश है? जाओ अपने बच्चे को जिबा कर दो, ये कौन सी आजमाइश है? ये तो एक इनह्यूमेन सी आजमाइश है ना। और ऐसा कोई खुदा कहेगा तो आप कैसे मान लेंगे? नहीं भाई, अल्लाह अल्लाह देखिए, इंसान के नजदीक उसकी औलाद सबसे महबूब होती है उसको, हाँ तो हाँ होती है, लेकिन उस औलाद को आप जंग में तो भेज सकते हैं, मर गया तो मर गया, जी के वापस आ गया तो गाजी। ये जिबा कर दो कौन सी आजमाइश है? नहीं तो भाई वो कुर्बानी का जज्बा देखना चाह रहे थे ना कि मेरे सर लिए कुर्बानी का इतना जज्बा देखना बड़ी तो लड़ाई कुर्बानी दे। करवाते हैं यार, जो वहां के बुरे लोग थे उनके साथ लड़ाई करवाते। ये जिबा करना कौन सी आजमाइश है? अब भाई अल्लाह रब है, वो जैसे चाहे नहीं तो वैसे फिर आजमाइश अगर दे अल्लाह सकते रब हैं। है तो इसका मतलब है कोई भी बंदा अपने बच्चे को जिबा कर देगा अल्लाह के लिए? ये क्या बकवास हुई? और अगर आप सुन्नत इब्राहिमी करते हो तो फिर बच्चा जिबा करो। अगर आपकी छुरी ना चली तो बकरा कर देना, चल गई तो ठीक है, बच्चा जिबा करो। नहीं देखें, बकरे को भी खिला पिला के बहुत ही मोहब्बत से रखते हैं ना, तो बकरे में और उससे भी एक इंसान में तरीके फर्क से है? फर्क है भाई, लेकिन लोगों को अपने ओके। पेट से भी बच्चे जैसा प्यार हो जाता है, होता है कि नहीं होता अरे है? भाई एक सेकेंड, बच्चे में और इंसान में फर्क है? मैं अपना पेट रखू ना, और मुझे कोई कह के यार ये अपने बच्चे को बचाने के लिए ये पेट के जो है ना हार्ट में से कोई पार्ट निकाल के से लगाना है, मैं कहूंगा फोन लगा दो। लेकिन अगर कोई कहे तो आप अपने पेट को बचाने के लिए अपने बच्चे के हार्ट में से पार्ट निकाल के से लगाओ, मैं कभी भी नहीं करूंगा। तुमको बच्चे और इंसान में फर्क नहीं फील हो रहा? अल्लाह ने अपने बेटे को कुर्बान करने को क्यों कहा इब्राहिम को? दैट्स द क्वेश्चन। ये कौन सा टेस्ट है? किस किस्म का टेस्ट क्योंकि है भाई ये सबसे हार्ड चीज है किसी के लिए भी करना, लेकिन वो सर? नबी थे हार्ड तो चीज उनको है इतना सर। देखिए, तवक्कल करके बच्चे को जाता था। जहाद में भेजना हार्ड चीज है, बच्चे को कत्ल करना अपंगता है,
वो आपका नजरिया है भाई ऐसा, नहीं लेकिन नजरिया नहीं है किसी। ओके, दुनिया में जितने भी लोग बैठे हैं मुझे बताएं कौन कहता है, अगर आप लोग कहते हो कि ये सही है बच्चे को कत्ल करना, वन भेजें, और अगर आप कहते हो नहीं आप मेरे साथ खड़े हो कि यार ये बड़ी स्टूपिड सी बात है, तो भाई टू भेजें, देखें वन कितने आते हैं टू कितने आते हैं, देख लें, देख भाई जो लीजिएगा लाइव नहीं चैट में। मानते हम को वो तो आपके साथ ही चलेंगे ना, वो तो वही नहीं भेजेंगे अच्छा जो चलो, आपने अच्छा बोला ना। मैं ये कहूं कि अगर अगर लेट्स से कि श्री राम जो है वो यहाँ पे बोले कि अपने बच्चे को कत्ल कर दे या कृष्णा, और एन मौके पे छुरी को तेज कर दे कि वो ना हुए, तो क्या आप श्री राम को किसी भी तरीके से अच्छा कह सकेंगे? भाई इसका जवाब तो कोई सनातनी भाई दे सकते हैं, वो आप उनसे नॉन मुस्लिम स्ट्रीम में पूछ लेना, लेकिन सर हर कोई यहाँ सनातन। ओके जी, जो कहेगा कि अगर श्री राम ने ऐसा कहा हो तो फिर भी वो उनके साथ खड़ा होगा, जरा वन भेजें, लो अब फिर देख लें लाइव चैट, फिर देख लें। सर देखिए, दिस इज द रियलिटी, क्यों क्यों करना है, क्या टेस्ट टेस्ट टेस्ट, किस चीज का टेस्ट? बच्चा जिबा कर दो टेस्ट, जब अगर बच्चा जिबा हो जाता वाकई में तो क्या उससे अल्लाह सच्चा साबित हो जाता? उससे तो इब्राहिम अपंग साबित होता, टेस्ट क्या है? नहीं भाई देखे, अल्लाह ताला ने जिबा नहीं होने दिया ना, छुरी को हुक्म दे दिया कि भाई नुकसान नहीं पहुंचाओ। वो करने तो लगा था ना, तो इब्राहिम तो अपंग हुआ ना साबित। ईमान कितना मजबूत है ये अल्लाह को टेस्ट करना था ना सो भाई, एक एक सेकंड, तो ईमान की मजबूती के लिए बच्चा जिबा करना पड़ेगा? अपने सबसे महबूब शख्स को जिबा करने के लिए भाई कहा। ईमान की हाँ जी मजबूती के लिए बच्चा जिबा करना पड़ेगा? नहीं कर, हमें नहीं करना पड़ेगा, वो नबी थे तो उनका ऐसा इतना क्या तगड़ा मतलब नबी इम्तिहान से, हुआ था। जो नबी वो फिर नबी नहीं था, जो अपने बच्चे को जिबा करने पे चला गया कि अपने हाथ से अपना बच्चा जिबा करेगा, वो फिर नबी नहीं था? नहीं उनके बेटे का भी भाई ईमान इतना ज्यादा था ना कि उन्होंने कहा ठीक है अब्बू आप मेरे को मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं तो आप मुझे पीछे की तरफ करके लिटा दें ताकि ये जरा दिखाएं मेरे कहां लिखा गर्दन पे कुरान के अंदर छुरी ऐसी चला सारी दें। बकवास। हमारे मौलाना साहब ने बयान दिया था, मैंने अपलोड मौलाना किया साहब ने हुआ भी है बयान अपने दिया था, चैनल टट्टी करते हुए जो है ना खाना काबा की तरफ रुखना करना, पेशाब करते हुए खाना काबा की तरफ रुखना करना, जबकि मोहम्मद खुद करता था टट्टी पेशाब खाना काबा की तरफ रुख करके, तो नहीं वो एक भाई, सेपरेट इबादत के चीज वक्त रुक करते हैं ना, है। हाँ इबादत के वक्त रुक करते हैं ना खाने काबा का। वो तो टट्टी पेशाब करते हुए खाने काबा का रुख नहीं ना करना, मोहम्मद करता था। नहीं तो भाई भाई यहाँ कुर्बानी की मौलवी जो बात भी हो रही है कहते ना, आप हैं, कह रहे हो कि मौलवी जुल्म करता है अल्लाह, अल्लाह हलाल जालिम करने हुआ ना, हलाल तरीके अल्लाह को जालिम हुआ ना, सबसे उसने किस जानवर तरह को कह दिया जिबा अपने करने बच्चे को का जिबा करो? एक पॉइंट भाई मेरा ले ले, हलाल करने का ठीक तरीका तो सबसे ह्यूमन तरीका है, बल्कि जो झटका मीट करते हैं वो तो उससे तो ज्यादा तकलीफ होती है उसको है। हेलो और भाई, वो झटके हेल्दी भी में नहीं होता। तकलीफ होएगी या हलाल में तकलीफ होएगी, पहले सोच के बताएं जरा। एकदम से आपके ब्रेन के ऊपर एक हथौड़ा मार दिया जाए जो कि आपके ब्रेन के अंदर घुस के आपका ब्रेन तबाह कर दे, ताकि हर किस्म का नर्वस सिस्टम खत्म हो जाए, वो एक अच्छा तरीका है, या आपकी गर्दन पे छुरी मारी जाए ताकि आपका खून आहिस्ता आहिस्ता निकले, आपका हार्ट बीट करता रहे, आपका नर्वस सिस्टम चलता रहे, वो ज्यादा इंसानी तरीका है? नहीं देखिए जो है जानवर का खून पूरी तरीके से, एक तो जो है वो इसका मतलब इस है उस तरीके पे से निकलता है, जानवर की साइंटिफिकली भी इसमें, प्रूव्ड इसका है। मतलब है हलाल तरीके का जानवर के पेन से कोई ताल्लुक नहीं है, वो आपके गोश्त से ताल्लुक है कि गोश्त आपको खून के बगैर मिले, उसका ताल्लुक आपका उससे कोई नहीं है। नंबर दूसरी बात, अगर जानवर में से खून निकालना है गोश्त में से, तो दैट इज वेरी इजी, आप उसके ऊपर नमक छिड़क दें और थोड़ी देर बाद उसको धो लें, उसका सारा खून निकल जाएगा। सो खून गोश्त में से निकालने के हजारों तरीके हैं, जानवर को तकलीफ क्यों दे रहे हैं? नहीं ये हलाल तरीका है चूंकि, इस वजह से उस पे दुआ पढ़ के फिर उसको उस तरीके से हलाल किया इसका मतलब जाता है है। इट हैज नथिंग टू विद पेन। लेकिन अभी ये बताए कि इब्राहिम को अपने बच्चे को जिबा करने का क्यों कहा गया? भाई वही तो बताया ना मैंने, क्योंकि बच्चा सबसे ज्यादा महबूब होता है एक इंसान पेरेंट को, तो उनकी उस इतनी बड़ी कुर्बानी करने के लिए उनको भाई कहा गया कुर्बानी था। क्या, बच्चा मर गया और आपने खुद मार दिया, तो अगर बच्चा मर जाता तो इब्राहिम को तो कत्ल कर देना चाहिए था, क्योंकि भाई उसने एक इंसान का कत्ल किया बिला वजह। ये अच्छा एक सेकंड बात हाइपोथेसिस सुनो, हो गई ना, ऐसा एक हुआ सेकंड तो बात नहीं सुनो, ना। एक सेकंड बात सुनो, अल्लाह ने मूसा को कहा था ना किसी इंसान का कत्ल करना पूरी इंसानियत कत्ल करने के बराबर है हाँ वो आया है ना? उसमें
उसमें, लेकिन ये इसका मतलब है अल्लाह बजाते खुद, ना पैदा कर, अल्लाह बजाते खुद अपने ही नबी से एक इंसान का बिला वजह कत्ल करवाने लगा था। नहीं उसमें ये कंडीशन है ना भाई, 5:32 बोल रहे हो ना आप, ये शायद उसमें कंडीशन है ना कि जो फसाद ना फैला रहे हो जमीन के ऊपर। हाँ तो उसका इब्राहिम का बेटा फसाद फैला रहा था। नहीं ओके डन। सो इसका मतलब है कि अल्लाह ने अपनी ही कुरान की मुनाफी एक काम कहा इब्राहिम को। भाई हजरत इब्राहिम वाला मामला ही अलग है ना, वहां तो अल्लाह ताला इम्तिहान ले रहा है कि कितना इनका ईमान मजबूत है। लेकिन अल्लाह ने एक हुक्म दिया ना, जो उसके अल्लाह ने एक हुक्म दिया ना, अगर इब्राहिम के पास 2 रुपए की अकल होती तो वो बोलता अल्लाह को अल्लाह पागल हो गया, बिला वजह बच्चा बनवाने लगा। भाई वो नबी थे ना, उनका इस कदर तवक्कल था अल्लाह की जात पर, ईमान इतना मजबूत था। अबे यार किस किस्म का नबी था जो बिला वजह बच्चा मारने लगा था? उसे क्या पता शैतान ने बात कही हो, ये क्या पता सच्चे अल्लाह ने कही है या शैतान ने कही है। वो उनके अंदर बुजुर्गी होती है इतनी की उन बुजुर्गी होती है, तू पास बैठा हुआ था इब्राहिम के। भाई नबी थे, नबियों का मकाम तो अल्लाह होता है ना, हमारे और आपके जैसा थोड़ी। यानी कि अगर अगर इब्राहिम अपना बच्चा मार देता तुम लोग भी अपना बच्चा ज़िबा करते? नहीं ये तो उनके, हमें कहाँ हुक्म दिया गया है कि आप भी फिर आपको, तो फिर आपको बकरा ज़िबा करने का भी हुक्म नहीं दिया गया? नहीं बकरी तो कहते ही है ना उसको। कहाँ पे लिखा हुआ है बकरा ज़िबा करने का हुक्म कुरान में? देखे अगर इब्राहिम अपना बच्चा मार देता तो फिर आप लोग भी बच्चे मारते अपने, और अगर इब्राहिम ने बकरा ज़िबा किया था तो आपको कुरान में बकरा ज़िबा करने का हुक्म ही नहीं। अब भाई ये तो त्योहार में ये चीज रखी गई है कि जानवर ज़िबा किया जाता है, किस चीज़ रखी? कुरान में दिखाए ना मुझे कहाँ रखी गई। सऊदी में ऊंट ज़िबा किए जाते हैं तो ऐसा बकरे का भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं। अरे भाई बात सुनो, ऊंट ज़िबा किए जाते हैं क्योंकि मोहम्मद के पास बकरे कम थे, उसने ऊंट डाल दिए। इब्राहिम के पास बकरा आया था, ऊंट नहीं आया था, मोहम्मद ने ऊंट बीच में डाल दिया, कम पड़ गया तो उसने गाय बीच में डाल दी। ठीक है उसका इट हैज नथिंग टू डू विद इब्राहिम। इब्राहिम ने बच्चा ज़िबा करना था और बकरा बच्चा ज़िबा करने की बजाय बकरा आया। अलामत तो यहीं से आती है ना हजरत इब्राहिम, कहां से आती है, किसने कहा, किसने कहा आती है इस पे इदैन की नमाज वक्त पूरा खुतबा हुआ, किसने कहा है? खुतबा होता है, होता रहने दो ना, खुतबे में कभी उन्होंने रेफरेंस दिया तुम्हें? तुम्हें पता है कुरान की आयतें कौन सी है? तुम्हें तो अंब का नहीं पता। कुरान में जो है सूरतुल बकरा में अल्लाह ताला फरमा रहा है ना कि जो जानवर हमने तुम्हारे लिए हलाल किए उस, ठीक है जो जानवर हलाल किए वो खाओ, उसका क्या ताल्लुक है ईद की कुर्बानी से? तो ईद पे भाई कुर्बानी की जाती है क्योंकि जिसको आपने पाल। अच्छा एक बात बताओ, ये जो बकरे ज़िबा करके तुम लोग खाना खाते हो, इनका खा पी लेते हो, ये जन्नत जाएंगे या जहन्नम जाएंगे बकरे? भाई जानवरों का तो कोई नहीं है ना मौत के बाद, क्या जानवर जानवर मौत के बाद कैसे जाएंगे, जन्नत या जहन्नम? जानवरों का कोई इम्तिहान नहीं है ना, उनकी अकल ही नहीं है इस काबिल कि वो जन्नत या जहन्नम कहां जाएंगे। ना वो जन्नत जाएंगे ना जहन्नम जाएंगे, जैसे एक बकरा पैदा हुआ आपने उसे काट के खा लिया, अब ना वो जन्नत जाएगा ना जहन्नम जाएगा। भाई मैंने तो से लेके अन्नास तक पढ़ा है, उसमें जानवरों के जन्नत या जहन्नम जाने का कोई तस्करा नहीं है। तो कितनी स्टूपिड बात नहीं है ये? तो भाई आप आया दिखा दें अगर ऐसा है। नहीं मैं कह रहा हूँ इंतहाई स्टूपिड बात है, एक बकरे को पकड़ के आप ज़िबा करके खा गए, अब वो जन्नत भी नहीं जा रहा क्यों? नहीं तो मतलब आपके हिसाब से ऐसा होना चाहिए था कुरान में, तो तकलीफ क्यों दे रहा है बकरे को या किसी और जानवर को? यही तो आज का मुद्दा है, जन्नत भी नहीं उसके लिए जहन्नम भी नहीं, तो तकलीफ क्यों दे रहा है अल्लाह? नहीं तो भाई इनको अल्लाह ने हमारे लिए गिजा बनाया है ना, गिजा तो बिना तकलीफ के भी बना सकता था ना, किसी को बेजा तौर पे तकलीफ देना तो ये तो गलत बात है, ये तो जुल्म है उसके ऊपर। साहिल भाई आपने जेसी बोस नाम के साइंटिस्ट की एक इन्वेंशन सुनी होगी कि प्लांट्स को भी दर्द होता है। आई वो जेसी बोस प्लांट वो अच्छा, सब बाद में, प्लांट को भी दर्द होता है ठीक है, तो प्लांट तो जन्नत में होंगे, सब्जा होगा, ये जानवर क्यों नहीं होंगे? एंड ऑफ डिस्कशन हो गया। तो भाई जो जन्नत के होंगे वो यहाँ दुनिया के और जन्नत के सेम थोड़ी ना होंगे। क्या मतलब सेम थोड़ी ना होंगे भाई, वो तो बता देना भाई, तकलीफ क्यों दे रहा है अल्लाह, इसका जवाब तो दे दे। 2 एपिसोड कर दिया मैं आज, अभी तक किसी ने जवाब नहीं दिया।
नहीं तो भाई मैंने बताया ना, वो कुर्बानी है, वो तकलीफ देना नहीं है, वो आपके नजदीक है ऐसा कि तकलीफ होती है उनको। भाई किसने कहा तकलीफ नहीं होती है? अच्छा जो जानवर दूसरे जानवर को जिंदा खाते हैं उसमें तकलीफ होती है कि नहीं होती है जानवर को? हाँ तो जिंदा खा रहे हैं तो वहां तो तकलीफ अलग तो चीज है ना, वो अलग किसने लेवल की डाला है उनके अंदर, वो उसको जिंदा खाने की वो। सिफत जो है वो किसने डाला? तो अल्लाह ताला ने ही डाली है कि उनका ये नेचर क्यों ही ऐसा है तकलीफ कि वो क्यों? हाँ कार्निवोरस है ये तो नेचर में खाएं। तकलीफ क्यों डाली है वही पूछ रहा हूं जानवरों को। ये तो जुल्म है भाई अल्लाह उनको का। बनाया बनाया इस तरीके से है ना, उनको बनाया ही इस तरीके से अच्छा है जो मतलब कार्निवोरस है, जालिम, तो लॉयंस फिर है, ये हाइनास मानते वगैरह। हो, तो ये मानते हो कि अल्लाह जानवरों के लिए जालिम है, तकलीफ नहीं दे रहा है जालिम उनको? नहीं है तो लॉ ऑफ द नेचर है ना भाई, फूड चेन सिस्टम है पूरा। अबे लॉ ऑफ द नेचर कहां से आ गया? तुम तो खुदा को बीच में, अल्लाह को बीच में डालते हो। अल्लाह को बीच में से निकाल दो, तुमसे सवाल ही नहीं करेंगे फिर ये हम लॉ ऑफ द नहीं भाई नेचर तो और मैंने बाकी चीजों आपको को। एक्सप्लेन किया ना, हजरत इब्राहिम की पूरी मिसाल से एक्सप्लेन किया ना कि कुर्बानी का जज्बा जो भाई है सिर्फ मैं कुर्बानी की बहुत। बात नहीं कर रहा हूं, मैं सारी चीजों हाँ की बात कर रहा हूं कि तकलीफ क्यों दे रहा है। वो आपको लग रहा है तकलीफ है लेकिन असल में तकलीफ नहीं है। क्यों जिंदा एक जानवर जब दूसरे जिंदा जानवर को खाता है तो तकलीफ में ही होता है वो? हाँ तो वो नहीं खाएगा अगर उसे तो भाई जन्नत मर जाना चाहिए जाएगा ना, हाँ वो, हेलो भाई फिर उस उसका जन्नत जाना चाहिए ना, नहीं होता ना। जन्नत मिले, सुनो अगर उस जानवर को जन्नत मिले उस तकलीफ के एवज में तो समझ में आता है, फिर हम सवाल नहीं करेंगे कि ठीक है उसका भी एक जी टेस्ट है, उसको जो तकलीफ दिया उसके बदले में अल्लाह उसको इंसाफ कर रहा है, उसको जन्नत में डाल रहा है, तो आपसे सवाल नहीं किया जाएगा। आपने खुद कंफर्म किया कि जानवरों के लिए ना कोई जन्नत है ना कोई जहन्नम है, तो फिर तकलीफ क्यों डाला अल्लाह ने जानवर में? नहीं तो भाई एक बार हम इसको जो है ह्यूमन उससे देख भी लें कि जन्नत उसको नहीं मिलेगी तो ये उसकी बात है। तो लेकिन देखिए अल्लाह ताला कि हम लॉज पे या उनके क्रिएशंस पे उनके जजमेंट पे सवाल नहीं कर सकते ना, नहीं कि अल्लाह सवाल मत क्रिएटर है वो करो, जैसा चाहे वैसा सवाल चाहे नहीं वो करो, बनाए। आप सुनो ठीक है आप सवाल नहीं करो, लेकिन कम से कम जो हकीकत है उसको मानो तो सही कि अल्लाह जानवरों के लिए जुल्म करता है, जालिम है अल्लाह जानवरों के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम ये कहो कि अल्लाह क्यों नहीं कर सकता, ठीक है अल्लाह कर रहा है लेकिन वो जालिम है जानवरों के लिए, इतना मान नहीं लो, तो कोई भाई इशू नहीं। ऐसे बहुत से जानवर हैं जो ह्यूमंस कंज्यूम नहीं करते, जैसे मैं आपको बता सकता हूँ स्नेक्स वगैरह हैं, और ये इनको जो है आमतौर पर शहरों में तो इंसान नहीं कंज्यूम करते, आर्मी आर्मी वाले खा लेते हैं जहाँ उनको हाँ जरूरी होता है, हाँ लेकिन तो उनका ऐसा वाइड स्प्रेड ना तो किलिंग होती है कंजम्पशन के लिए ना ठीक ही है, वो लेकिन होते हैं। जिसकी जिसकी किलिंग हो रही है और जो जानवर खा रहे हैं दूसरे जानवर को, तो वो तो अल्लाह ने ही सिस्टम बनाया है ना, तो अल्लाह तो जालिम है उन जानवरों के लिए। नहीं तो अगर भाई एक जन्नत बैलेंस जहन्नम का बनता है ना कॉन्सेप्ट कि नहीं है जानवरों के लिए तो ये तो जुल्म है जानवरों के ऊपर। नहीं, इसको अगर आप साइंटिफिकली भी देखोगे तो एक बैलेंस होता है ना इससे नेचर का, अगर भाई हर्बीवोर्स वो बढ़ पेन जाएंगे तो रखना, प्लांट्स खत्म हो जाएंगे, फिर पेन क्यों रखा है? पेन पे सवाल है, प्लांट्स खत्म हो बैलेंस जाएंगे पे ना अगर सवाल है। सारे हर्बीवोर्स होंगे फिर। पेन पेन खाने के लिए रखता जानवरों को, एक जानवर दूसरे जानवर को खा रहा है, तुम भी खा रहे हो, अल्लाह को पेन नहीं रखना चाहिए था उसमें, तकलीफ नहीं रखना चाहिए था, तड़प नहीं रखना चाहिए था। बिना तड़प के बिना तकलीफ के भी तो अल्लाह बना सकता था ना जानवरों को, क्योंकि उनका टेस्ट नहीं है। इंसानों का तो समझ में आता है भाई, तकलीफ देता है अल्लाह, आजमाइश कर रहा है, आजाद दे रहा है, वो टेस्ट है, फ्री विल दे दिया जो कि है ही नहीं, लेकिन चलो फ्री विल दे दिया, टेस्ट है तो समझ में आता है। जानवरों के लिए ना टेस्ट है ना उनको जन्नत मिलने वाली है, तो तकलीफ क्यों दे रहा अल्लाह? ये भाई आपको लग रहा है कि तकलीफ दे रहा है लेकिन असल में तो तकलीफ नहीं वो होती है जब एक पार्ट हो जानवर गया ना जिंदा जानवर को इकोसिस्टम का। खाता है? एक जानवर नहीं जब होती दूसरे है जानवर उसके हिसाब से, क्यों नहीं होती है, बिल्कुल होती है। वो होती है तो क्यों तकलीफ दे रहा है? वही तो सवाल फिर ले दे के घूम फिर के वही सवाल पे आ रहा है ना कि तकलीफ क्यों दे रहा है। अब भाई इसके लिए तो मर के अल्लाह के सामने पेश होके तब पूछना पड़ेगा वो उनसे, वैसे तो अभी फिलहाल तो इंसाफ का तकाजा तो तो बात यही नहीं है कर ना, सकते ना हम अल्लाह ताला से। सुनो इंसाफ का तकाजा ये है कि सवाल आप मरने के बाद अल्लाह से कर लेना, लेकिन इंसाफ का तकाजा ये है कि कम से कम इस चीज को एक्नॉलेज तो करो कि हाँ अल्लाह वाकई में जानवरों के लिए जालिम है, इसको एक्नॉलेज तो करो। सवाल बाद में जाके कर लेना कि अल्लाह तूने ऐसा जुल्म क्यों किया, ये बाद में कर लेना, एक्नॉलेज तो करो कम से कम।
तो क्या भाई मसला है तुम क्या लोग को एक सही सही बात को एक्नॉलेज तो करने में? क्या आप ये एक्नॉलेज करोगे कि जो फर के लिए जानवरों को मार दिया जाता है फैक्ट्रियों में, वो जुल्म नहीं है? हाँ वो जुल्म है, वो इंसानी लेवल पे है, क्योंकि वो खुदा नहीं है। इंसानों के पास ये अथॉरिटी नहीं है, ये उसके उनके पास पावर नहीं है कि वो बिना तकलीफ के जानवरों को मार के खाए। लेकिन अल्लाह के पास तो है ना ये पावर। जी अगर देखिए, तुम जैसे हर अल्लाह को जानदार निकाल में, दोगे ना, देखो अगर तुम अल्लाह को निकाल दोगे ना, तो 100 तरीके से तुम इसको जस्टिफाई कर सकते हो, जो कि किसी के लिए जस्टिफाइबल होगा, किसी के लिए नहीं भी होगा, दैट इज फाइन। लेकिन जब अल्लाह को डाल दोगे ना, तो वो किसी भी एंगल से जस्टिफाइबल नहीं होगा। सोचो इस बारे में, गौर करो, शायद तुम्हारा दिमाग खुल जाए। नहीं देखिए, अल्लाह को निकाल दो, कोई मुश्किल नहीं। अल्लाह ताला ने तो हर जानदार को ऐसा ही बनाया कि वो दर्द होगा, तकलीफ होगी अगर उसको जो है जिबा किया जाएगा, तो तो ये हाँ, सेंस ही तो जन्नत भी दे निकाल दो, दिया जन्नत जाए तकलीफ का, भी दे देने का तो था ना उसको। जब जब तकलीफ दे रहा है, तो उसके एवज में उसको जन्नत मिलनी चाहिए। लेकिन भाई हम और आप नहीं डिसाइड कर सकते ना कि हमारा क्रिएटर क्या डालता है मैं बुक के ये अंदर। नहीं बोल रहा हूं तुम डिसाइड करो, लेकिन एक्नॉलेज करो कि अल्लाह जालिम है जानवरों के लिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हम डिसाइड कर सकते या नहीं कर सकते, एटलीस्ट जो हकीकत है उसको एक्नॉलेज तो करो। क्या नहीं दिक्कत तो है भाई एक गलत चीज को गलत जालिम कहने इसलिए में, नहीं है क्या क्योंकि दिक्कत? एक जानवर हाँ, जिबा, एक जानवर खत्म होता है तो उसकी सृष्टि भी चलती रहती है ना, उसके और क्या ऑफस्प्रिंग होते हैं, उसके वो आगे ए, उसके बढ़ाते हैं। ऑफस्प्रिंग होने से उसको जो तकलीफ मिल रही है, उससे क्या फर्क पड़ेगा? उसको तो तकलीफ मिल गई, तो उसके लिए, तो जानवर के लिए अल्लाह जालिम ही है ना, उसको तकलीफ दे रहा है। अब भाई लॉ ऑफ द नेचर में हम क्या बोल सकते फिर हैं तुम जालिम लॉ को? ऑफ द नेचर, अल्लाह को हटा दो नहीं, और लॉ ऑफ द आपने कहा नेचर ना को एक मानो फिर। जानवर दूसरे जानवर को खाता है, तो ये तो नेचर के ही उसमें आ गया ना भाई। लेकिन अल्लाह ने किया ना ये। अगर आप अल्लाह को हटा दो ना, जैद साहब, जैद पटेल साहब, पठान साहब, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं सवाल करूंगा ही नहीं। अगर अल्लाह को बीच में लाओगे कि अल्लाह ने ये सिस्टम बनाया है, देन यस यू हैव टू एक्नॉलेज कि अल्लाह जालिम है जानवरों के लिए एटलीस्ट। नहीं ये आप अल्लाह को जुल्म हटा दो। अगर हम ह्यूमन उससे सोचें तो हमें लग सकता है कि जुल्म है, लेकिन असल में लग जुल्म सकता नहीं, लग नहीं है, लॉ ऑफ द हकीकत नेचर है है। वो। तो ये मानते हैं ना आप, ह्यूमन तरीके से सोचोगे तो अल्लाह जालिम है जानवरों के लिए। अगर अब भाई ह्यूमन ऐसी पर्सपेक्टिव गुस्ताखी तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि अल्लाह नाराज क्यों हो नहीं जाएगा कर कि सकते मुझ पर आजाब नाजिल हकीकत हो सकता। को? अरे हकीकत को बोलो भाई, इसमें गुस्ताखी क्या है? हकीकत को बोलो, तुम मान नहीं तो चुके भाई हो, तुम्हारा दिल अभी गवाही दे रहा अल्लाह है कि सुप्रीम अल्लाह क्रिएटर जालिम है है। अरे ना, उसको मैं जालिम बोल दूंगा तो फिर मेरे ऊपर तो अजाब जो तो होगा ना जालिम है कुछ उसको जालिम ही बोलना पड़ेगा ना, गुस्ताखी के डर से जालिम जो है वो तो ये नहीं हो जाएगा, मजलूम नहीं हो जाएगा या मर्सीफुल नहीं हो जाएगा, जालिम तो जालिम ही रहेगा। तो एक्नॉलेज करो ना, तुम लोगों का प्रॉब्लम ये है कि तुम लोग गलत को गलत बोलते नहीं हो। बोल दो गलत, क्या मसला है? अल्लाह से माफी मांग लेना कि अल्लाह ठीक है, मैं तेरे को जालिम समझता हूं, लेकिन मुझे माफ कर दे। माफी मांग लेना, शिर्क तो नहीं कर रहे हो। बोल दो जालिम जी। है वो अल्लाह, बात ठीक ठीक है आपकी कि शिर्क और कुफर के है ना? अलावा हर गुनाह चाहेगा अल्लाह तो माफ कर देगा, लेकिन फिर तो भी माफी चांस मांग लेना, क्यों लेना? एक्नॉलेज कर लो अल्लाह जालिम है जानवरों के लिए, माफी मांग लेना अब अल्लाह से। ऐसे तो मैंने एक देखा जिसमें कोई साधु के वेश में थे और बकरे की गर्दन काट काट के खून पी रहे थे, उसका जिंदा जिंदा बकरे की, अभी देखा है क्या दो तीन दिन पहले। अभी देखो फिर बैसाखी पे आ गए, वो भी गलत नहीं, है। मैं हाँ एक एग्जाम्पल दे रहा तो हूँ, मैं सनातन को नहीं ला रहा बीच में, मैं सिर्फ एक वो एग्जाम्पल छोड़ दो, अभी मतलब अल्लाह जालिम है ये एक्नॉलेज करो, अल्लाह से बाद में माफी मांग लेना स्ट्रीम के बाद कि अल्लाह तू है जालिम, ये बात तो हकीकत है, लेकिन मुझे तू माफ कर दे क्योंकि मैं तेरे आगे नहीं जा सकता। माफी मांग लेना, अल्लाह माफ कर देंगे। एक्नॉलेज करो, नहीं हम तो भाई चाहते फिर हैं कि ये भी मुसलमान मानना पड़ेगा ना गलत हमें को कि गलत अगर कहे। अल्लाह जानवर को दूसरे जानवर से की गिजा ना बनाए तो जो जानवर मुझे कार्निवोर गिज़ा है उस पर बनाने भी में जुल्म हो प्रॉब्लम जाएगा ना। नहीं है भाई, मुझे, मैंने 100 बार अभी शायद बोल दिया हूं कि मुझे गिज़ा बनाने में, फूड चेन बनाने में इसमें प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ये प्रॉब्लम है कि अल्लाह जब उनको ना जन्नत दे रहा है ना जहन्नम दे रहा है,
उनको तकलीफ नहीं देना चाहिए थी, पेन नहीं देना चाहिए था। पेन के बिना अगर वो फूड चेन बना देता, एक जानवर को दूसरे जानवर की गिजा बना देता, उससे मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तकलीफ से प्रॉब्लम है। अल्लाह तकलीफ क्यों दे रहा? नहीं तो भाई, कोई जानदार है और उसकी जान जा रही हो, उसको तकलीफ ना हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। क्यों अल्लाह के लिए पॉसिबल नहीं था ये कि एक जानवर को बिना तकलीफ के पैदा करता हो? नहीं था पॉसिबल? नहीं, अल्लाह तो हर चीज पर कादिर है, जो चाहे कर फिर सकता है, लेकिन किया ऐसा किया नहीं। के अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। हाँ सच बोल दो, अल्लाह के लिए पॉसिबल भी था फिर भी वो तकलीफ दे के बना रहा है और फिर जन्नत भी नहीं दे रहा उसको। नहीं वो ठीक है, ये बीच में आपने क्या बता दिया? जैद भाई, जैद भाई समझ गए, जैद भाई समझ गए, जैद भाई समझ चुके। अल्लाह ताला को हम और आप थोड़ी ना ऑर्डर दे सकते हैं भाई कि ऐसा क्यों कर दिया भाई। तुम ऑर्डर दो, मैंने कहा तुमको ऑर्डर दो, हमारे बस में है क्या? मैं कब कहा तुमको, मैंने कब कहा ऑर्डर दो? मैं कह रहा हूँ कि एक्नॉलेज कर लो कि अल्लाह जालिम है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम उस पे सवाल उठाओ कि तूने ऐसा क्यों किया। भाई मेरे नजदीक तो लॉ ऑफ द नेचर है, इसमें जुल्म जैसी कोई चीज नहीं है, वो आपके नजदीक है। बिल्कुल, चलो आप सेम पॉइंट पे जो है बार बार गोल घुमा रहे हो, आपको भी समझ में आ गया। लॉ ऑफ नेचर भी तो साहब अल्लाह ने बनाया ना इनके हिसाब से, तो क्या लॉ ऑफ नेचर भी तो अल्लाह ने बनाया ना। वो तो मैं बोल चुका हूँ भाई, अभी गोल गोल घूम के वही अल्लाह को साइड में ला रहे हैं और लॉ ऑफ नेचर पे जा रहे हैं। तो ये नहीं, तो अल्लाह ने बनाया है, मैंने कब इनकार किया इस बात से? अल्लाह ने बनाया है, अल्लाह फिर जालिम भी है, अल्लाह फिर जालिम भी है। ये आपका नजरिया है भाई, पॉइंट ऑफ व्यू नजरिया नहीं है, तुम भी मानते हो ह्यूमैनिटी के पर्सपेक्टिव से, ये तुम भी मानते हो, तुम कह चुके हो, बस तुम्हारा बात ये है कि मैं ये गुस्ताखी कैसे कर सकता हूँ, तो तुम मान चुके हो तो इसको छोड़ दो। अच्छा ये जो एडम साहब नहीं कह सकता, लेकिन हाँ मेरे पास नॉलेज होती, मैं इस फील्ड से होता अगर, तो अगर ये पॉसिबल होता साइंटिफिकली कि उनको तकलीफ ना हो हर्बीवोर्स को, जब कार्निवोर्स खाए उनको, तो मैं ये ऐसा करने का जरूर ट्राई करता। हाँ देखो ये अब इनके अंदर की इंसानियत बोल रही है कि अगर इनके पास ऑप्शन होता तो ये जरूर ऐसे बनाते कि वो जानवर को तकलीफ ना हो, भले से वो दूसरे की गिजा हो। यही काम अल्लाह को करना चाहिए था कि जो कि अल्लाह ने नहीं किया, तो अल्लाह जानवरों के लिए जालिम है, ये बात तो एकदम 110% साबित हो चुकी है। एडम साहब ने आपसे एक सवाल किया था कि, और उसमें मैं थोड़ा मैं अपना ऐड कर देता हूं कि अगर अल्लाह आप लोगों को यानी सारे मुसलमानों को ये हुक्म देता कि भाई आप कुर्बानी के तौर पर अपने एक घर के एक बच्चे को जुबा करो, उसकी कुर्बानी करो, तुम्हारी सबसे प्यारी चीज तुम्हारा बच्चा औलाद, क्या आप लोग करते मुसलमान? जी हम भी हजरत इब्राहिम तरह इस बात पे तवक्कल करते कि अल्लाह ताला छुरी को हुक्म देगा कि वो नुकसान ना पहुंचाए, और इस बात पे ईमान रखते हुए करते हैं। नहीं इब्राहिम को तो पता ही नहीं था कि छुरी के नीचे जो है वो दुम्बा आने वाला है, इब्राहिम को तो पता ही नहीं था, उनके दिल में यकीन था ना भाई इस बात का कि अल्लाह। हाँ यकीन का बताओ कुरान से, एक मिनट ये कहां यकीन था कि मेरी औलाद को कुछ नहीं होने देगा, जरा मेरे को बता दो, इसका रेफरेंस दे दो। इसका रेफरेंस ठीक है, मैं सर्च करता हूं भाई। 10,000 रुपया लेके नहीं ढूंढ सकते, मैंने अपनी स्ट्रीम में दिखाया लास्ट सैटरडे की, आप रेफरेंस नहीं ढूंढ सकते, इतनी मेहनत ना करें, बल्कि आपके कुर्तबी इसके रिवर्स लिखते हैं, वो कहते हैं अगर इब्राहिम को यकीन होता कि ये बच्चे ने नहीं मरना तो फिर ये टेस्ट नहीं हो सकता, तो बेसिकली आपके स्कॉलर ने इसको उल्टा लिखा हुआ, तो इब्राहिम को बिल्कुल यकीन नहीं था कि बच जाएगा उसका बच्चा, आपके स्कॉलर उल्टे चलते हैं वैसे बाय द वे। नहीं लेकिन इब्राहिम वो स्कॉलर सही कह रहा है ना एडम साहब, अगर इब्राहिम को पता है तो फिर वो टेस्ट नाम की चीज नहीं है, बिल्कुल दैट्स नॉट अ टेस्ट, ऑलरेडी पता चल गया उसको कि नहीं मारने वाला, तो किस चीज का जाके कर देगा। तो फिर से मेरा सवाल यही है, आपको कुरान से हदीस से किधर से भी नहीं मिलेगा कि इब्राहिम को पता था कि मेरा बच्चा नहीं मरेगा, तो अगर अल्लाह आपको सारे मुसलमानों को ये हुक्म देता कि अपने एक ड्रीम के बारे में है, हजरत इब्राहिम को सीरीज ऑफ ड्रीम्स आई थी, अल्लाह की तरफ से कमांड आया था कि अपने बेटे को सैक्रिफाइस करो, नबियों का जो ख्वाब होता है वो भाई, नबियों का जो ख्वाब होता है वो तो हकीकत ही होता है ना जी, है ना। तो वंस अगेन मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर अल्लाह आप लोगों को हुक्म देता
कि अपने अपने बच्चों को जिबा करो, तो क्या आप लोग करते या नहीं करते? क्या मुश्किल है जवाब देने में? नहीं भाई, मैंने बोला ना कि हाँ करते, क्योंकि हमारे दिलों में ये यकीन होता कि अल्लाह ताला नहीं होने देगा कुछ। हाय रब्बा, हाय रब्बा। वही वही बैक पे जा रहे आप। इब्राहिम को कहाँ यकीन था, कहाँ मालूम था कि वो मेरा बच्चा जो है उसको अल्लाह नहीं मारेगा? ये कहाँ यकीन था? अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है ना, वो अपनी जात को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से नहीं आता भाई। गफूरुर रहीम होता तो वो इब्राहिम को अपने बच्चे की कुर्बानी करने के लिए नहीं कहता। अल्लाह अगर गफूरुर रहीम होता तो जानवरों को तकलीफ नहीं देता। पॉइंट फिर से घुमा फिरा के वही हो जाएगा। नहीं, अल्लाह ताला को मिसाल पेश करनी थी ना कि मेरे लिए मेरा बंदा अपने सबसे हराम दिया, खनजीरा लान दिया, दलिया बगैर था, जानवर हराम दिया, प्योर हराम दिया, ओरिजिनल हराम दिया। तो मतलब अगर आपको ये यकीन ना होता कि अल्लाह बचा लेगा और वाकई में अल्लाह कुर्बानी मांग रहा है अपने बच्चे की, तो आप नहीं करते फिर? हाँ, यकीन नहीं होता तो नहीं करते। अब वो अलग बात है, आप मानेंगे नहीं। अल्लाह के हुक्म की फरमा बरदारी आप नहीं करते। अगर वाकई में अगर किलिंग का ऑप्शन होता कुर्बानी का, तो ये मुसलमान नहीं करते। इतनी बात भी साफ हो गई है भाई लोग। हाँ भाई, तो ये ईमान और बिना ईमान वाले में यही फर्क है ना। ईमान वाले को यकीन होता है अपने रब की जात पर कि वो उसके साथ कोई नाइंसाफी कोई जुल्म नहीं होने। यार राइट, तभी नाइंसाफी होती है मुसलमानों के साथ, वो मरते हैं बेचारे, तभी नाइंसाफी होती है मुसलमानों के साथ। राइट, तभी वो मुसलमान है जो तुम मेरी फरमा बरदारियां नहीं करोगे तो जो फरमा बरदार है उनके साथ नाफरमानी नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो जो फरमा बरदार है उनसे तो नाफरमानी नहीं होनी चाहिए। अच्छा बात सुनो, तुमने कहा अल्लाह रहमान और रहीम है। अल्लाह तो रहमान और रहीम कुरान के नजूल के मिडल में कहीं पे हुआ था, पहले नहीं था, और फिर आखिरी सूरत में फिर दोबारा रहमान रहीम नहीं रहा। आखिरी सूरत तौबा थी, तो तौबा में भी रहमान रहीम नहीं रहा, नंबर एक। और नंबर दूसरी बात, चैप्टर नंबर 17 की आयत नंबर 110 से पहले भी अल्लाह रहमान और रहीम नहीं था। तो ये क्या चक्कर है कि आप लोग रहमान रहीम का आरर करते हो, जबकि मोहम्मद ने शुरू से तो अल्लाह को रहमान रहीम बनाया नहीं भाई। पूरी जब बनाया था उसके बाद रहमान, सूरह रहमान उससे पहले तो नहीं था अल्लाह रहमान रहीम? नहीं तो हर सूरत की शुरुआत में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये पढ़ा जाता है। नंबर 17 की आयत नंबर 110 के बाद आपने डाला था ना, तो सूरह अल फातिहा से पहले भी आता है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हां ना, वो बाद में डाला हुआ है ना, चैप्टर नंबर 17 से पहले। चैप्टर नंबर 17 की आयत नंबर 110 क्या कहती है, ये देखिएगा। अल्लाह हमेशा से रहमान रहीम था ही नहीं। जब अल्लाह, जब मोहम्मद ने अल्लाह को रहमान रहीम कहा, तो लोगों ने कहा तू कौन से तीन खुदाओं की परस्तिश करने लग पड़ा है पेगन। ये देखो, खुद उदुल्लाह औ अर रहमान, ये देखो क्या है, क्या कहता है। आप कह दीजिए तुम अल्लाह को पुकारो या रहमान को, जिस नाम से पुकारो सब अच्छे नाम इसी के हैं। चैप्टर नंबर 17 की जब तक ये आयत नहीं आई थी, तब तक अल्लाह रहमान रहीम नहीं था। ये तो इस आयत के आने के बाद अल्लाह रहमान रहीम हुआ। दिखाऊं इसकी तफसीर, दिखाता हूं मैं तुम्हें मेरे प्यारे भाई को, इसकी तफसीर दिखाता हूं। ये देखो, ये इसकी तफसीर है, इसका असबाबुल नज़ूल ये बनता है। ये देखिए क्या बनता है। इब्ने हातिम से मरवा या अल्लाह रहमान, मक्का वाले ने सुन लिया आपके मतवजे के खुद खुदाओं को, डिफरेंट खुदाओं को पुकारते हो, हमें मत करते हो। रहमान तो यमामा के बुत का नाम है। ये देखो, तो अल्लाह ने आयत नाज़िल फरमाई, सफाती नाम है ना भाई। अरे सफाती नाम बाद में आया ना, उससे पहले तो यमामा के बुत का नाम था। ये देखो, इब्ने जरीर ने इब्ने अब्बास से रवायत है, रसूल ने एक दिन मक्के में नमाज पढ़ी, अल्लाह से दुआ की, दुआ में यूं कहा, या अल्लाह या रहमान, मुशरिकों का बेदीन आदमी हो गया, हमको दो खुदाओं को पुकारने से मना करता है, खुद दो खुदाओं को पुकारता है। अगली, ये तो यमामा का एक काहिन था। यहूदियों ने कहा रहमान के बारे में पूछा था, ये तो यमामा का एक काहिन था। ये देखो, एक आदमी ने जब सुन लिया रहमान रहीम, तो उसने कहा ये मुशरिक हो गया मोहम्मद। अपने साथियों से कहा कि अभी कबशा जो, यानी कि मोहम्मद जो है वो रहमान को पुकार रहा है जो यमामा में है, ये तो मुशरिक हो गया है। तो भाई चैप्टर नंबर 17 की आयत नंबर 110 से पहले मोहम्मद ने अपने अल्लाह को भी रहमान कहा ही नहीं था। ये तो बाद में तुम लोगों ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऐड की है सारी सूरतों से पहले। है, यमामा के जो बुत थे, ये जो इंसान रहे होंगे, इनके अंदर रहम की सिफात रही होंगी, तब उनका नाम रहमान पड़ा होगा। भाई हेलो हेलो डंगर भाई, उससे ताल्लुक नहीं है। आपका मुद्दा था अल्लाह रहमान रहीम है, पहली आयत से है, पहली सूरत से है।
جبکہ میں نے آپ کو یہ ثابت کیا ہے ابھی کہ چیپٹر نمبر 17 جب تک نازل نہیں ہوا اللہ رحمان اور رحیم نہیں تھا, یہ آپ لوگوں نے چیپٹر نمبر 17 میں کے بعد ایڈ کیا ہے کہ آیت نمبر 110 کے بعد پرانی جتنی بھی صورتیں نازل ہوئی تھیں چیپٹر نمبر 17 ریولیشن کے مطابق 50ویں صورت ہے, 50th صورت, یہ سورہ اسراء ہے, 50 صورتیں نازل ہو چکی ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے, محمد صرف بسم اللہ کر رہا ہے, الرحمن الرحیم نہیں ڈال رہا, 50 صورتیں نازل ہو چکی ہیں, 114 صورتیں ہیں قرآن میں اور 50 نازل ہو چکی ہیں, پھر کہیں جا کے اللہ رحمان بنا ہے. مجھے تم لوگ سورہ فاتحہ میں بسم اللہ پڑھتے ہو, سورہ فاتحہ میں بسم اللہ بعد میں ایڈ ہوئی ہے, سورہ بقرہ میں بسم اللہ بعد میں ایڈ ہوئی ہے, 50 صورتیں نازل ہو گئی ہیں, پھر کہیں جا کے اللہ رحمان بنا ہے, اور پھر سورہ توبہ میں پھر غائب ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم, وہاں پہ بھی غائب, سائل صاحب 50 تولہ کے بعد اللہ رحمان بنا یار. بھائی میں نے تو یہ والا انداز اپ کو بڑے زمانے بعد آیا ہے, فاتحہ سے لے کے الناس تک سب میں بسم اللہ الرحمن, اپ ہے نا بعد میں ایڈ کیا نا, یہ کیا پڑھ رہے ہو تم؟ تو بھائی یہ تو آپ ہی مانو گے نا کہ گاڈ از مرسیفل, گاڈ از مرسیفل, گاڈ از مرسیفل, لیکن رحمان نہیں تھا, وہ بعد آ گیا نا, یہی تو بتا رہا ہوں, پہلے رحمان نہیں تھا بعد میں آیا, 50 صورتوں کے بعد رحمان بنا اللہ, اس سے پہلے نہیں تھا, اگر اللہ رحمان رحیم تھا تو پہلے دن سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوتا نا, پہلے دن سے محمد کو کیوں نہیں پتا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا, 50 صورتوں کے بعد کیوں پتا لگا؟ تو یہ صفاتی نام بعد میں آیا جس صورت کی آیت آپ نے پیش کی, پھر بکواس بند کرو نا, کیوں کہہ رہے اللہ شروع سے رحمان رحیم ہے, بابا جی کا ٹھلو بعد میں ایڈ کیا قرآن میں موڈیفیکیشن کی, بھائی تو ہر مذہب میں کہتے ہیں نا بھگوان دیالو ہے, گاڈ از مرسیفل, ایسا اللہ تو نہیں ہے نا, واحد نہیں ہے نا مذہب ایسا, سورۃ توبہ سے پہلے کیسے اللہ مرسیفل ختم ہو گیا, پھر سورۃ توبہ میں اللہ کی مرسی کہاں گئی, بھاگ گئی کافروں کے پچھوارے میں چلی گئی اللہ کی مرسی, نہیں تو سورہ توبہ میں جو جنگ کی آیات ہیں آپ اس کے حوالے سے بول رہے ہیں یا اس میں لکھا نہیں ہے یہ؟ نہیں سورہ توبہ میں رحمان رحیم نہیں ہے, کس نے کہا ہے سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہوتی؟ سورہ کی آیات میں ہے لیکن شروعات میں تو آیت میں میں کہتا ہوں سورت میں نہیں ہے ڈنگر, نہ سورت میں ہے نہ اس کے شروعات میں ہے, زید پٹھان صاحب آپ نے کہا کہ میں الحمد سے لے کے ناس تک پڑھا ہوں, تو سورہ توبہ میں کبھی بسم اللہ پڑھا ہے شروع میں؟ دیکھا ادھر قرآن میں لکھا ہوا پڑھی جاتی ہے تو ہمیشہ پڑھی جاتی ہے, اور اس میں بھی آپ ابھی پھر ایک دم بیبی ہے, بسم اللہ نہیں پڑھا جائے گا تو مانی ہی نہیں جائے گی عبادت, بھائی توبہ میں نہیں پڑھتے بھائی, جا کے چیک کرو, جو تم کو کلمہ پڑھایا نا اسے جا کے چیک کرو کہ آپ اگر سورہ توبہ پڑھ رہے ہو تو کیا آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرو گے یا نہیں شروع کرو گے, تمہارے پورے قرآن میں سورہ توبہ کے سٹارٹنگ میں بسم اللہ ہے ہی نہیں, تو تم کون ہوتے ہو ڈالنے والے؟ اپنی مرضی سے, یہ دیکھو چیک کیا کر لوں گا, ابھی دکھا دیتا ہوں, یہ سورہ بقرہ کھولی تمہارے سامنے, بسم اللہ لکھا ہوا ہے, بسم اللہ لکھا ہوا ہے, سورۃ لکھا تو ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ بقرہ ہے نا الف لام میم سے شروع ہوا ہے پہلے بسم اللہ ہے, یہ دیکھو اب سورہ توبہ کھولتا ہوں, یہ دیکھو اب یہاں پہ بسم اللہ ہے, کہاں گئی بسم اللہ, کھا گئے نا, سورہ توبہ میں بسم اللہ نہیں ہوتی, آن لائن ورژن ہے نا بھائی کتاب, ابے آن لائن ہو جا جو مرضی ہو, قرآن دیکھ لے بھائی, ٹھیک ہے, سورہ بقرہ میں بسم اللہ نہیں ہے, آخری سورت سورہ توبہ ہے, ریویل ہوئی ہے, اس کے اندر اللہ نے اپنا رحمان رحیم ڈال دی ہے, اب صرف جنگ ہے, رحمانیت رحیمیت نہیں ہے, تم لوگ قبضے میں آ گئے ہو, تم لوگ طاقت میں آ گئے ہو, قرآن چیپٹر نمبر 47 آیت نمبر 35, جب تم طاقت میں آ جاؤ تو امن کی طرف مت جاؤ, رحمانیت رحیمیت ختم ہو گئی, طاقت میں آ گیا محمد, رحمانیت رحیمیت گئی کر رہے ہو, اصل میں جنگ مشرکوں نے شروع کی تھی اور اس پہ جو ہے مشرکوں نے شروع کی تھی, معاہدہ نہیں توڑا تھا, معاہدہ بابا جی کا ڈھلو توڑا تھا, ان کو پتا بھی نہیں تھا معاہدہ ٹوٹا ہے, اس کے اوپر بھی سٹریم کی ہوئی ہے, چیپٹر نمبر 60 کی آیت نمبر 1 محمد نے چھپ کے کیا, کوئی بتانے جا رہا تھا تم لوگوں کا معاہدہ ٹوٹ گیا, اس کو پکڑ کے مار دیا, نہیں ٹوٹا, دور دراز کے کسی علاقے میں دو قبیلوں کے درمیان لڑائی بھی, محمد نے اس کو یوز کیا تھا,
यूज करके गेम डाली थी बाबा जी का ढुल्लू अंब भाई आज तौबा की आयत नंबर 2 की मैं बात कर रहा था बाकी आप जो हाँ ये पहले देख लो तुमने कहा कि वो कुरान ऑनलाइन है ये तुम्हारा कुरान वाला जो बुक वाला कुरान होता है ये वो फॉर्मेट है ठीक है ये देखो यहाँ पे सूरह अनफाल खत्म हो रही है फी किताबिल्लाह इन्नल्लाह बिकुल्ली शैइन अलीम यहाँ पे ये खत्म हो गई सूरह अनफाल अब ये सूरह तौबा शुरू हो रहा है ये देखिए दिख रहा है बिस्मिल्ला किधर है इधर बिस्मिल्ला जी ठीक है नहीं है तो इससे ये चीज क्या पॉइंट आपका साबित होता है जानवर वाला जो टॉपिक रखा है आपने उसमें नहीं नहीं अभी एडम साहब ने कहा ना आपको जानवर का टॉपिक साइड पे था ओए डंगर डंगर साहब अगर जानवर का टॉपिक साइड पे था तूने बीच में चुल डाली थी कि अल्लाह रहमान रहीम है मैंने कहा था ना तो अल्लाह शुरू में रहमान रहीम था पहले 9 साल और ना एंड में रहमान रहीम रहा सिर्फ बीच के थोड़े टाइम के लिए रहमान रहीम था बाकी हट गया तुम लोगों ने डाला है वो सेपरेट चीज है वरना अल्लाह पहली 50 सूरत नाजल करने से पहले रहमान रहीम नहीं था और उसके बाद आखिर में सूरह तौबा नाजल करते वक्त रहमान रहीम नहीं है फुल स्टॉप अल्लाह रहीम है मैं ये इसी स्टेटमेंट बाबा जी का ढुल्ला रहमान रहीम है नॉन मुस्लिम्स को अच्छा मुझे बता मुझे बता नॉन मुस्लिम को खाना पीना कोई अल्लाह नहीं देता ना मुसलमान को देता है वो जाके मेहनत करते तो उन्हें मिलता है मुझे ये बता नॉन मुस्लिम जन्नत जाएगा नहीं शिर्क और कुफ्र के हाल में हो गया कहां से रहमान रहीम है बाबा जी का ढुल्लू अंब अंब लेके चूप अब तो वो तो खैरियत के लिए है ना उनकी आखिरत में कि जन्नत उनको मिले तो ऐसे आखिरत में खैरियत जन्नत में सरना खैरियत साहिल ये बात कर रहे थे यार मैं चुप हूं भाई जहन्नम के अजाब से क्यों डराया है ताकि वो ईमान ले आए और अच्छा अच्छा ये बताओ जैद पठान कि ये मतलब रहम रहमान जो है ये सिर्फ इस दुनिया के लिए रहमान है क्या काफिरों के लिए हाँ तो उनके लिए तो दुनिया के लिए काफिर दुनिया का कयामत के लिए रहमान नहीं है ना अल्लाह कयामत के दिन और कयामत के बाद अल्लाह काफिरों के लिए रहमान नहीं है ना हाँ तो उसमें तो सजा मिलेगी कुफर की अगर हाँ तो तभी जो है वो काफिरों के लिए तो इस बात को अग्री करते हो ना कि उसके बाद कयामत के दिन से अल्लाह काफिरों के लिए मुशरिकों के लिए रहमान और रहीम नहीं है राइट हाँ तो वहां पे अल्लाह होना पड़ेगा फिर सजा देनी पड़ेगी क्योंकि अरे तो मैं सवाल करता हूँ उसका जवाब दो ना भाई एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट में बोलो कि कयामत के बाद या कयामत से उसके बाद अल्लाह काफिरों और मुशरिकों के लिए रहमान और रहीम नहीं है ये सही है अगर वहाँ पे नहीं होगा रहीम क्योंकि वहां उनको सजा देनी फिर लो एडम साहब अल्लाह की सिफत भी कम शुरू और खत्म होती है इससे साबित हो गया थैंक यू अल्हम्दुलिल्लाह तो इस दुनिया में भी रहमान रहीमियत कभी शुरू हुई थी और कभी खत्म हुई थी और आखिरत में भी खत्म हो जाएगी काफिरों के लिए सिर्फ मुसलमानों के लिए रह जाएगी यार क्या सिफत है यानी अल्लाह की सिफत इटर्नल नहीं है एडम साहब खत्म हो गया वाह नहीं तो हमारे लिए तो वो खैर की बात है कि उनको दुनिया में ईमान ले आए तो ताकि जन्नत मिले तुम्हारे लिए क्या तुम इंसान हो कि लिंग तुम्हारे अल्लाह के लिए मेरा लिंग जा इस्तेमाल कर इस बारे में सोचना जैद पठान अल्लाह की सिफत जो है जो कि अल्लाह की सिफत है वो इटर्नल होनी चाहिए आज तुमने इटर्नल सिफत को अल्लाह की तबाह कर दिया तभी मुझे लिंग बोल रहे जैद जैद पठान वो छोड़ दो तुम इस बात पे गौर करो कि अभी जो तुमने स्टेटमेंट मारा है उस हिसाब से एक खुदा की सिफत जो है वो इटर्नल होनी चाहिए और यहाँ पे अल्लाह की सिफत जो है रहमान और रहीम की वो इटर्नल नहीं है वो फुल नहीं है तो ऐसे को आप खुदा मान के बैठे हो इस पे गौर करना ये एक पॉइंट ही काफी होना चाहिए आपको इस्लाम से बाहर निकलने के लिए क्योंकि खुदा की जो सिफत है वो इटर्नल होना चाहिए वो ऐसी नहीं कि खत्म हो जाए लिमिटेड हो जाएगा तुम्हारा अल्लाह नहीं तो मैंने आपको बोला ना कि वो इंसानों के लिए खैर की चीज है ईमान ले आए इस वजह से जहन्नम की सजा रखी गई है ईमान ले आओ ताकि तुम्हें प्रोस्टिट्यूशन हब मिले हां तुम्हें प्रोस्टिट्यूशन हब मिले और अगर तुम्हें प्रोस्टिट्यूशन हब नहीं चाहिए तो पैसे देने पड़ते हैं भाई प्रोस्टिट्यूट के पास पैसे देने पड़ते हैं हां तो इस दुनिया में आना तो अल्लाह को भी तो पैसे ही देने पड़ते हैं और क्या देना पड़ता है नहीं तो अल्लाह ताला को कहां पैसे देने वो तो आपको पैसे देने हैं ना इस दुनिया में आपने पैसे देने हैं ना अल्लाह को
زکات دینی ہے، خیرات کرنی ہے، اللہ کی مدد کرنی ہے، نمازیں پڑھنی ہے، تو آپ نے مظلوموں کے پاس جاتی ہے۔ ارے بھائی جو بھی اللہ کے لیے کرنی ہے نا، اپنے لیے تو نہیں کرنی، تو اللہ راضی ہوتا ہے کہ غریبوں کی مدد کرنے سے۔ بس ٹھیک ہے، بات ختم ہو گئی، اینڈ آف ڈسکشن۔ آپ کو اس دنیا میں کرنا ہے سارا کچھ، جنگ کرنی ہے اس کے لیے، جہاد کرنا ہے اس کے لیے، لون دینا ہے اس کے لیے، اللہ کی مدد کرنی ہے، نمازیں پڑھنی ہے، تو پھر ہی ملے گی، نہیں تو نہیں ملے گی، تو پروسٹیوشن اسی ہے۔ قتال جہاد فرض عین نہیں ہے بھائی، فرض کفایہ، فرض کفایہ ہے۔ ہاں مجھے پتا ہے، 100 بندوں میں سے 10 بھی کر لیں تو کافی ہے، تو ہاں تو کرنا ہے نا۔ یہ اچھا سہل اس کو یہ بتا کہ فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے، یعنی کہ فیملی میں سے صرف ایک بھی کر لے تو کافی ہے۔ سہل بھائی، جی سہل بھائی، نہیں یہ پوائنٹ آپ کا زبردست ہے، لیکن یہ بےچارے کا یہ کہنا ہے، مطلب خوش اس بات سے ہے کہ وہ رنڈی کھانے کا اس کو کم سے کم پیسہ نہیں دینا پڑ رہا ہے، یہ اس بات سے خوش ہے بھائی، وہ فری میں رنڈی سودے ملے گی اس کو۔ 73 پاک صاف بیویاں ہوں گی، اب آپ ان کو رنڈی بول رہے تو وہ آپ کی نالمی ہے یا آپ کی کریکٹر کی پرابلم ہے، وہ اس میں اللہ کی پرابلم تھوڑی ہے۔ یہ اس بات سے خوش ہے کہ بھائی چلو فری میں کام باری کرنے مل رہا ہے، لو بھائی۔ یار کیا یار تم لوگوں کی بغیرتی، یار سیریسلی یار سوچو، کبھی جنت اگر ایسی بغیرت ہے تو بہن یقی، ایسی جنت کا کیا فائدہ یار؟ بھائی آپ جنت کو بغیرت بول رہے ہو، آپ فورن کنٹری میں بیٹھ کے کتنی عورتوں کے ساتھ صحبت کرتے ہو، میں دیکھ رہا ہوں کہ آ کے وہاں پہ، تو جنت تو نہیں ہے نا کم سے کم۔ یار بات سنو، اگر کوئی فورن کنٹری میں بیٹھ کے عورتوں کے ساتھ رنڈی کھانا کرتا ہے تو وہ اس بندے کی اپنی برائی ہے نا، لیکن اللہ تو خود پرووائڈ کر رہا ہے۔ آپ امیجن کرو، آپ بار بار سنو، میں اگر اللہ کو انسانوں کے ساتھ ملاؤں گا نا، تمہاری گانڈ پھٹ جائے گی یہاں پہ۔ نہیں نہیں وہ تو اللہ ہے، آپ سے انسان، اور خود تم لوگ بار بار اللہ کو انسانوں کے ساتھ ملاتے ہو۔ میں اگر میں کوئی غلط حرکت کر رہا ہوں، سنو 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 سنو، میں اگر کوئی غلط حرکت کر رہا ہوں تو میں غلط حرکت کر رہا ہوں، انسان ہوں، میں کوئی غلطی کر بھی سکتا ہوں، حالانکہ میں ایسی حرکت نہیں کرتا، لیکن اگر کبھی ہوا بھی تو میں انسان ہوں، میں کر سکتا ہوں۔ اللہ کیوں کر رہا ہے؟ جنت میں صرف بیویاں تو نہیں ہوگی نا بھائی، حلال شراب کی نہریں، دودھ کی نہریں، پھل، یہ سب بھی تو۔ ارے یار دودھ کی نہروں کا کرے گا کیا تو، پی پی کے طاقت بنائے گا تاکہ ڈنڈی کی طرف ٹیکس کر سکے۔ یہ دودھ کی نہروں کا کانسیپٹ کیا ہے بتا دے، کرے گا کیا دودھ اور شہد کی نہروں کا، تو کرے گا کیا؟ پی پی کے جان پہلے جنتیوں کے لیے ہوگی جو جائیں گے جنت، کیا کرے گا اس کا، چائے بنائے گا، پیا جاتا ہے بھائی دودھ، اور کیا کیا جاتا ہے؟ تو یہ دودھ پینا یہ کوئی نعمت ہے؟ ایک سیکنڈ چھوٹی سی بات کروں یہاں پہ، جب جنت میں آپ کو بھوک پیاس نہیں لگنی سائل بھائی، جب جنت میں بھوک پیاس نہیں لگنی، آپ نے پوٹی نہیں کرنی، آپ نے موتر نہیں کرنا، تو سائل بھائی مجھے یہ بتائیں دودھ اور شہد کی نہروں کا فائدہ ہی کیا ہے؟ What's the purpose of it؟ انعام ہوں گے نا وہ۔ یار ایک منٹ رک، زید پٹھان ایک منٹ رک، ایڈم صاحب دودھ کا گلاس انعام ہے ان کے لیے، دودھ لیکن کون سی ایسی چیز ہے جو آدمی کو یہ رہتا ہے کہ یار میرے کو دودھ نہیں مل رہا ہے پینے کے لیے، یہ کون سی ایسا دودھ کا ایسی چیز ہے جو دودھ کا ان کو لالچ دیا گیا ہے؟ سر وہ صحرا میں کبھی جا کر کے، سر صحرا میں انہیں نہیں نہ ملتا تھا، صحرا میں انہیں دودھ نہیں ملتا تھا، لائن اتنی نہیں ہوتی تھی، آپ کو پتا ہے صحرا میں زیادہ تر وہ ہوتا ہے اونٹ، تو اونٹ کا دودھ تو ہوتا ہے انتہائی نمکین اور گندا، تو بیسیکلی آپ کو جو دودھ، جو اچھا دودھ تو گائے سے ہی نکلتا ہے نا یار، گائے سے نکلتا ہے یا بکری کا اچھا دودھ ہوتا ہے، اونٹ کا دودھ تو انتہائی نمکین اور فٹے منہ ہوتا ہے، تو یعنی اب محمد نے جو گائے کا دودھ اور بکری کا دودھ، میٹھا دودھ اور شہد جو کہ ڈیفیکلٹ ہے ادھر صحرا میں پانا، اس کی نہیں لگا دی، بات ختم ہو گئی یار۔ دودھ کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے نا ہمارے لیے، مطلب ڈائریکٹ صرف دودھ پینا ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ آپ بتاؤ، بچے بھی جلدی دودھ کو جو ہے وہ پسند نہیں کرتے، اور بڑے لوگ تو دودھ جلدی ایسا پیتے ہی نہیں، آدمی کیا کرے گا، اس کا کافی بنائے گا یا تو چائے بنا کے پیے گا۔ صرف لیکن آپ سمجھے نا، اگر آپ کو دودھ نہ ملے سائل بھائی، اگر آپ کو دودھ میسر نہ ہو اور چائے بنانے کی تو اوقات نہیں تھی اس زمانے میں ان لوگوں کی، کافی کا ان لوگوں کو پتا نہیں تھا، اور آپ کو دودھ نہ ملے اور دودھ ایک ایسی نایاب چیز ہو کہ کبھی کسی گائے سے نکل آئے تو ایک ایک کبھی سپ سپ ہی لے سکو آپ، تو سائل صاحب آپ کو سوچنا ہے۔ ایگزیکٹلی یہ 7th سنچری ڈیزرٹ کلٹ کے لیے ہے نا اہمیت، یار آپ یہ سوچیں، یہی تو میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔
दुनिया के दूध जैसा नहीं होगा। अरे तो अमित भाई आपके आपके धर्म में नहीं है क्या? स्वर्ग स्वर्ग में अप्सराएं बताई गई हैं, हजार अप्सराएं आपके धर्म में भी तो है। बैसाखी पे क्या है? अमित भाई सनातनी इसलिए बोला मैंने। बैसाखी पे आ गया भाई। चल भाई तू इस बारे में सोचना जो तुझे अभी चीजें बताई है। और भाई जो आपने दाढ़ी वाली बात पे उठाया था, दाढ़ी सुन्नत होती है फर्ज नहीं होता, तो यहाँ आपकी बोंगी जो है वो फेल हो गई। किसने कहा था फर्ज है अभी, और डंगर किसने कहा था फर्ज है? हाँ तो आप उस पे इतना जोर क्यों दे रहे थे फिर? जिससे बात कर रहे थे, जिससे बात कर रहे थे वो लेके आया था, हम नहीं लेके आए थे। नंबर एक, नंबर दूसरी बात, वो अहले सुन्ना वाल जमात से ताल्लुक रखता है, उन लोगों को करना होता है। तुम आ रहा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, तुमसे तो नहीं ये बात की थी। तुम और वाजिब तक रखो। एडम साहब ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ इतना जोर दे रहे हैं इसलिए मैं जैद पठान। एक मिनट, पहली बात तो दाढ़ी का मसला हम लोग लेके नहीं आए थे। दूसरी बात, दाढ़ी जो है वो सुन्नत में नहीं, वो वाजिब में आती है। वाजिब इन द सेंस कि आपने दाढ़ी रखना ही रखना है। अब उसमें आपके पास अलग अलग जो है क्या कहते हैं उसको, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है कि कितनी दाढ़ी जो है, कितनी लंबी दाढ़ी आप रख सकते हैं। एक एक बालिश रखेंगे आप, या एक मुठ दाढ़ी रखेंगे, या फिर आपने छोड़ना है, या एक से एक बालिश से कम रख सकते हैं, उस पे आपका इख्तिलाफ है। वरना मुसलमान के ऊपर दाढ़ी रखना जो है ये वाजिब है, क्योंकि अल्लाह के रसूल का जो वो हदीस है उसमें हुक्म है कि तुम दाढ़ी को छोड़ो और मूछों को कतरो। ये हुक्म की बुनियाद पे इसको वाजिब कहा गया है, ना कि सुन्नत। जाके बराबर से अच्छे से जहां से सीख रहे हो ना दीन, उससे जाके अच्छे से पूछो कि दाढ़ी रखना जो है वो सुन्नत है, ऑप्शनल है, या आपने रखना ही रखना है, वाजिब है आपके ऊपर। वाजिब फर्ज और सुन्नत में फर्क पता है? वैसे डंगर, वाजिब फर्ज और सुन्नत में फर्क पता है? हाँ पता है। फर्ज यानी जो करना ही करना है, और सुन्नत यानी कि जो रसूल करते थे। और वाजिब क्या होता है? हाँ वाजिब यानी जिसका किया जाना जो है वो हो वाजिब। वो क्या नहीं करोगे तो गुनाह मिलेगा। वाजिब इज एज गुड एज फर्ज भाई। सुन्नत है, मैंने तो वाजिब। अबे यार सुन्नत जा यार, क्या पागल वाली हरकत करता है। सुन्नत है कितनी लंबी रखनी है, वो सुन्नत है। वाजिब अदा करना है अनलेस यू हैव अ प्रॉब्लम दैट यू कैन नॉट फुलफिल इट, इसीलिए वाजिबात कहा जाता है। ठीक है, अगर तुम कोई नए फिका में से हो जिसका जिसमें कह के सिर्फ सुन्नत है और छोड़ भी सकते हो, तो मुझे उसका रेफरेंस भी ला के देना, क्योंकि मुझे पता है दो फिरके हैं। लेकिन हमें यही पढ़ाया गया था कि सुन्नत है। साहिल का इंटरनेट गया लगता यार। मेरा भी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आवाज दोनों की आ रही है, लेकिन एडम साहब का स्क्रीन था शायद वो गया। अच्छा, मेरे को एडम साहब की आवाज भी नहीं आ रही है। माइक टेस्टिंग आ गया, आवाज माइक टेस्टिंग ओके। मुझे सबकी आवाज आ रही थी, हाँ मेरे को नहीं आ रही थी। अच्छा एडम साहब ये देखिए, डंगर झूठ बोलता है। एक मिनट, हाँ ये लास्ट सुन के जाओ, ठीक है? यहाँ धोखा देने की कोशिश नहीं करने का। ये देखिए क्वेश्चन है, doubts about the obligation to let the beard grow and answers to them. ठीक है? Firstly, we have quoted the evidence that it is haram to shave the beard in the answer to question number 118. End of discussion, पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं। Is it haram to shave your beard? What is the ruling on shaving the beard or removing part of it? Summary of answer, it is haram to shave your beard because of the general application of text that forbid resembling the unbelievers. Prophet Muhammad said, trim your mustaches and let your beard grow. Haram hai, haram. Sunna mein nahi aata ye, ke optional hai aapke paas. Aap shave, clean shave kar hi nahi sakte. Shaving the beard is haram because of the sahih hadith that clearly state this and because of the general application of text that forbid resembling the unbelievers. ये लो भाई, ऐसे तो हम सिखों से रिजेंबल करने लगेंगे अगर दाढ़ी रखते तो। वो तुम्हारे रसूल को नहीं पता था ना, क्वेश्चनेबल है। वो तुम्हारे रसूल को नहीं पता था
सिख भी होंगे, हिंदू साधु भी बड़े बड़े दाढ़ी रखते हैं, हिंदू साधु भी बड़े बड़े। हमारे रसूल को नहीं पता था मोहम्मद सिर्फ जूस और क्रिश्चियन से, मोहम्मद को वहां पे जूस क्रिश्चियन और मुशरिकीन थे, उसने सिर्फ उनसे अपनी रिजेंबलेंस चेंज करनी थी बस, दैट्स इट। उसको हम पता नहीं पता था यहाँ पे भी कोई कौम है जूस, दाढ़ी सारे क्लीन शेव्ड होते हैं जूस, जूस रखते हैं जिनकी दाढ़ी होती है। इसका भी मैं जवाब दे देता हूँ तुमको, असल में ये जो यहाँ पे जो बात आई है ये दोनों कॉम्बिनेशन में आई है, और आप जब सिख की बात करोगे तो सिख हजरात जो है वो दाढ़ी को भी अपना क्या कहते हैं, मूंछों को भी नहीं काटते। हाँ, इस वजह से यहाँ पे जब आप मूंछों को काट के दाढ़ी को बढ़ाते हो तो आप उनकी रिजेंबलेंस के अगेंस्ट में जा रहे हो, क्योंकि जो ज्यूज है उनकी भी मूंछें भी होती हैं, तो आप लोगों ने इसलिए मूंछें भी काट रही है। नहीं वो खाना ना आए उस पर जोकर बना देना है सिर्फ इसलिए कि जूस की तरह के ना लगे, मोहम्मद ने जोकर बना दिया यार साले, वाल लंबे करके यदि जोकर बना दो सिर्फ ये कि जूस ऐसे ना लगो, जोकर अलग जोकर। तो दूसरे बार जैद पठान किसी को ये नहीं कहना कि दाढ़ी रखना जो है वो इस्लाम में ऑप्शनल है, हराम है अगर आप शेव करते हो, ठीक है। चलिए ठीक है भाई, अच्छा डिस्कशन हुआ, थैंक यू लेने के लिए। सोचना और इस गंदगी से निकलो पहली फुर्सत में जी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह ही हाफिज आपका।